Hello children, let's start with the second chapter of history, historiography, Indian tradition. Tradition of Indian historiography. We learnt about the Western tradition of historiography in the last lesson. In this lesson, we'll know about the tradition of Indian historiography. Historiography in ancient period. In the ancient period, in India, memories of the great deeds of ancestors and mythological lore was also the memories of social transitions were preserved with the help of oral recitals. मतलब हमारे ancestors ने जितनी भी चीजें जितना भी knowledge culture हमारे ऊपर pass on किया है मतलब उनके जो generations से हमारे ancestors से हमको मिला है वो सब mostly orally pass on हुआ है. ओरल रिसाइटल्स मतलब ये कुछ स्टोरीज या पोएम्स हो सकते हैं. माइथोलॉजिकल लॉर भी वही होता है कि हमारा कल्चर जो ओरली हम पे पास ऑन होता है. द इंस्क्रिप्शंस ऑन हरप्पन सील्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स कंफर्म दैट द इंडियंस हैड मास्टर्ड द आर्ट ऑफ राइटिंग एज अर्ली एज 3rd millennium BCE और परहैप्स बिफोर दैट. तो हमारे जो भी हरप्पन सील्स हैं या हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं उसे क्लियरली पता चलता है कि इंडियंस ने 3rd millennium में ही लिखना सीख लिया था और हो सकता है शायद उससे भी पहले से उनको लिखना आता था. हाउएवर द हरप्पन स्क्रिप्ट इज नॉट येट सक्सेसफुली डेसिफर्ड. मतलब हरप्पन स्क्रिप्ट जो थी उस समय पे जिसमें काफी सारी चीजें लिखी गई हैं वो अभी तक हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं उस स्क्रिप्ट को. The earliest known written document of historical nature was found in India are in the form of inscriptions. तो सबसे पहला जो सबसे पुराने documents इंडिया में मिले हैं लिखे हुए written documents वो सब inscription के form पे थे. मतलब वो ऐसे stone पे या metal पे वगैरह inscribe करके लिखे हुए थे. They are dated to 3rd century BCE. That is Ashok Maurya's times. तो 3rd century में जब अशोक मौर्य का emperor थे इंडिया में वो टाइम के inscriptions हैं हमारे पास. His edicts are inscribed on the natural rocks and stone pillars. अशोक मौर्य के कुछ edicts inscribed हैं rocks और pillars पे. From the 1st century CE, inscriptions begin to occur as on coins, metal images, sculptures, and also copper plates. तो 1st century से हमको inscriptions कहाँ कहाँ दिखते हैं? Coins पे, metal images, sculptures मतलब मूर्तियाँ या pillars और copper plates पर भी. They provide important historical information. ये सब inscriptions से हमको बहुत important historical information मिलती है. We get to know about the dates of the various kings, dynastic genealogies, territorial extent, and administration of the various empires and kingdoms, and also our important political events, social organizations, climate, famines, etc. of the respective times. मतलब ये जो भी हमारे inscriptions हैं इससे हमको हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि पहले के लोग कैसे थे, कैसा पॉलिटिक्स था, कैसा क्लाइमेट था, कोई बड़े इवेंट्स हुए थे क्या, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थे क्या, उनके राजाओं के बारे में सब कुछ पता चलता है ये इंस्क्रिप्शंस से ही. हमारे पास और कोई दूसरा सोर्स नहीं है. द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर इंक्लूडिंग द एपिक्स रामायण एंड महाभारत पुराण्स जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऑफ इंडियन ऑथर्स and also the travelogue by foreign travelers are important sources of history. कौन कौन से important sources हैं? जो हमारे epics हैं रामायण महाभारत, जो हमारे पुराण हैं जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, historical जितने भी accounts हैं, जो भी authors ने चीजें लिखी हैं, कुछ foreign travelers ने उनके foreign के बारे में उनके travelogues कुछ लिखे हैं उनके travels के बारे में कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें देखी, क्या क्या एक्सपीरियंस किया. ये सारे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं हमारे हिस्ट्री में. नाउ वी कम टू पेज नंबर 8.
Writing of biographies of the king and dynastic histories mark an important step in the Indian historiography. तो जो भी किंग्स के बारे में उनकी बायोग्राफी लिखी गई थी या जो वो सब क्या है हमारे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट सोर्स हैं, दैट इज़ अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आर हिस्टोग्राफी. हर्षचरित्र रिटन इन 7th century CE बाय बाणभट्ट इज किंग हर्षास बायोग्राफी. तो किंग हर्षा की बायोग्राफी जो लिखी थी 7th century में उसको बोलते हैं हर्षचरित्र. इट पोर्ट्रेट्स अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग द किंग्स टाइम. तो उसमें उस किंग हर्षा के बारे में मतलब उनके राज में कैसा सब सोशल एनवायरनमेंट था, कैसा एक इकोनॉमिकल कंडीशन था, वो टाइम के पॉलिटिकल और रीजनल और कल्चरल लाइफ के बारे में सब कुछ उनकी बायोग्राफी में लिखा हुआ है. हिस्टोग्राफी इन द मिडिवल पीरियड. द स्टाइल ऑफ राइटिंग राज तरंगिनी द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय कलहना इन द 12th century CE इज क्वाइट क्लोज टू द कंसेप्ट ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी. तो 12th century में हिस्ट्री कश्मीर के बारे में कल्हना ने कुछ लिखा था जिसको हम बोलते हैं राज तरंगिनी. तो ये जिस तरीके से लिखा गया था दैट कंसेप्ट इज वेरी क्लोज टू द मॉडर्न हिस्टोग्राफी. मॉडर्न हिस्टोग्राफी के हिसाब से ही लिखा गया था. कल्हना ने खुद बोला था कि उन्होंने लिखने से पहले हर फैक्ट को बहुत क्रिटिकली एग्जामिन किया है, मतलब बहुत ध्यान से उन्होंने रिसर्च किया है, देखा है कि सब कुछ सही है कि नहीं, सच है कि नहीं. उन्होंने बहुत सारे एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स एंड लोकल ट्रेडिशन सब कुछ चेक करके फिर ही ये लिखा था. कल्हना हिमसेल्फ सेड दैट ही रोट दिस टेक्स्ट आफ्टर क्रिटिकली एग्जामिनिंग वेरियस सोर्सेज लाइक इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, रिमेन्स ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स एंड लोकल ट्रेडिशंस. इन द मिडिवल इंडिया the historians in the court of Muslim rulers were influenced by Arabic and Persian historiography. Among them, Ziauddin Barani holds an important place. So, medieval history mein, the historians in the court of Muslim rulers, to Muslim rulers ke court mein jo historians the, they were influenced by Arabic and Persian historiography. तो वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस थे? अरबिक और पर्शियन हिस्टोग्राफी से. अमंग देम जियाउद्दीन बरनी होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस. तो जियाउद्दीन बरनी का बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेस था. इन तारीख इल फिरूज शाही अ बुक रिटन बाय हिम ही हैज स्टेटेड द पर्पस ऑफ हिस्टोग्राफी. तो एक बुक उन्होंने लिखी थी जियाउद्दीन बरनी ने, तारीख ए फिरूज शाही. तो ये बुक में उन्होंने लिखा था हिस्टोग्राफी के पर्पस के बारे में कि हिस्टोग्राफी की क्या ज़रूरत है या क्यों मतलब हिस्टोग्राफी इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में सब कुछ उन्होंने उस बुक में लिखा था. अकॉर्डिंग टू हिम द हिस्टोरियंस ड्यूटी इज नॉट लिमिटेड ओनली टू रिकॉर्डिंग ऑफ द रूलर्स वेलर एंड द पॉलिसीज ऑफ वेलफेयर, बट ही शुड ऑल्सो राइट अबाउट द रूलर्स फेलिंग एंड इनकरेक्ट पॉलिसीज. तो उनके हिसाब से उन्होंने क्या लिखा था ये जो अपनी बुक में, कि सिर्फ जो राजा लोग अच्छे काम कर रहे हैं या उनके जो सक्सेस हो रहे हैं सिर्फ उनके पॉलिसीज़ के बारे में नहीं लिखना चाहिए, उनके फेलियर्स के बारे में भी लिखना चाहिए. क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है कि उनके फेलियर्स से भी हमको बहुत कुछ सीखने मिलता है या क्या नहीं करना चाहिए वो हमें पता चलता है. तो उनके फेलियर्स के बारे में भी हमने बुक्स में लिखना चाहिए. Barani further says that historians should also take into consideration the impact of the teachings of the wise, the learned and the saints on the cultural life of people. तो बर्नी का क्या कहना था कि हमने ये भी बहुत सोचना चाहिए कि हम जो भी हिस्ट्री हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं उससे लोगों को क्या सीखने मिलता है ना. जो भी हमारे सेंट लोग हैं या जो पढ़े जो सीखे हुए लोग हैं उनसे हमको हम पे क्या इन्फ्लुएंस होता है या हमको क्या क्या चीज़ें उनसे सीखने के लिए मिलती है.
दस बरनी एक्सपैंडेड द स्कोप ऑफ हिस्टोग्राफी. तो इसीलिए बरनी के इस बुक से हिस्टोग्राफी का स्कोप बहुत इंक्रीज हुआ. फॉर द हिस्टोरियंस इन द मुगल कोर्ट्स प्रेजिंग द एम्परर एंड एग्जीबिशन ऑफ लॉयल्टी बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट. तो मुगल एम्परर के कोर्ट्स में क्या होता था, एक ही सिर्फ राजा को प्रेज करने वाली चीजें बोली जाती थी कोर्ट में. तो हिस्टोरियंस का यही काम था कि वो राजा के तारीफ में कुछ कुछ चीजें लिखें और दरबार में पेश करें. द कॉस्ट्यूम ऑफ एडिंग सूटेबल पोएटिक कोट्स एंड ब्यूटिफुल पिक्चर्स वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड. तो क्या करते थे कि राजा को खुश करने के लिए उनके बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखते थे, पोएम्स लिखते थे, कोट्स लिखते थे और उसमें कुछ ब्यूटिफुल पिक्चर्स भी ऐड करते थे ताकि राजा उनको देख के खुश हो जाए. बारबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर रोट एन ऑटोबायोग्राफी एंटाइटल्ड तुजुक ए बाबरी. मतलब उन्होंने ये बुक लिखी थी जो उनके लाइफ के बारे में ऑटोबायोग्राफी थी. इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द बैटल्स फॉट बाय हिम. उसमें उन्होंने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी है उनके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन था. बाबर ऑल्सो रिकॉर्डेड हिज लास्ट मिनट ऑब्जर्वेशन ऑन द वेरियस रीजन्स एंड सिटीज ट्रेवल्ड बाय हिम इंक्लूडेड द लोकल इकोनॉमी कस्टम्स एंड द फ्लोरा. तो उन्होंने क्या किया था, अपनी ऑटोबायोग्राफी में वो सारी प्लेसेस के बारे में भी लिखा था जहाँ जहाँ उन्होंने ट्रैवल किया है. तो वहाँ के लोकल इकोनॉमी कैसी है, कैसे कस्टम्स हैं और वहाँ के मतलब ये पेड़ पौधे और एनिमल्स वगैरह कैसे हैं, वो सब भी उन्होंने लिखा था अपने ऑटोबायोग्राफी में. अब्दुल फजल अकबरनामा इज वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रिटिकल हिस्टोग्राफी. तो अब्दुल फजल ने एक लिखा था अकबरनामा, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है हिस्टोग्राफी के हिसाब से. दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड देयर स्क्रूटनी इज लुक्ड अप टू एज डिवॉइड ऑफ बायस एंड हेंस रियलिस्टिक. तो ये जो तरीका है हिस्टोग्राफी में डॉक्यूमेंट्स सेव करने का, इसको हम बहुत एक रियलिस्टिक तरीका मानते हैं. नाउ वी हैव कम टू पेज नंबर 9. बखर इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ द मिडीवल टाइम्स. इट कंटेन्स यूलॉजीज ऑफ द हीरोज एंड द स्टोरीज ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट्स बैटल्स लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन. तो बखर एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है मिडीवल टाइम का. उसमें उस समय के सारे हीरोज की स्टोरीज लिखी हैं, उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ की और उनकी लाइफ कैसी थी, वो सब उस बखर बुक में लिखा हुआ है. मराठी बखर्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स. सभासद बखर वॉज रिटन बाय कृष्णजी आनंद सभासद ड्यूरिंग द रेन ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज. तो छत्रपति राजाराम महाराज के टाइम पे कृष्णजी आनंद सभासद जो थे उन्होंने सभासद बखर लिखा था. ये महाराष्ट्र की बात हम कर रहे हैं, मराठी इसकी बात कर रहे हैं. इट इज एन इम्पॉर्टेंट बखर फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज. तो इस बखर से हमको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बहुत कुछ पता चलता है. भाऊ साहेब बंशी बखर डिस्क्राइब्स द बैटल ऑफ पानीपत. तो इस बखर में क्या है, बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सब कुछ लिखा है. अनदर बखर एंटाइटल्ड पानीपट्टची बखर इज ऑल्सो अबाउट द सेम इवेंट. तो पानीपच्ची बखर ये जो बुक है इसमें भी पानीपत की लड़ाई के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है. होलकरांची खपियत provides information about the Holkar and their contribution to the Maratha rule. तो इस बखर में ये बुक में क्या लिखा है कि होलकर्स का क्या contribution रहा है महाराष्ट्र के मराठा रूल के बारे में, उनका क्या रोल रहा है, तो उस बारे में लिखा हुआ है. बखर कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस टाइप्स सच एज बायोग्राफीज ऑफ किंग्स डायनेस्टिक हिस्ट्री डिस्क्रिप्शंस ऑफ इवेंट्स हिस्ट्री ऑफ अ सेक्ट ऑटोबायोग्राफीज
regarding grievances based on the mythologies and state administration by a king. तो ये बकर्स बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते थे और उनमें बहुत सारे अलग अलग नॉलेज या इन्फॉर्मेशन लिखी रहती थी. पुराने ज़माने के ऑटोबायोग्राफीज थे और वहाँ के हिस्ट्री के बारे में, कुछ अगर मेजर इवेंट्स हुए तो उनके बारे में, सबके बारे में बकर्स लिखे गए थे. हिस्टोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड. इन 20th सेंचुरी इन द इंडियन आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन एंड द रिसर्च स्टार्टेड अंडर द ब्रिटिश रूल. 20th सेंचुरी में क्या हुआ, इंडिया के जो भी आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस थे, मतलब जितने भी बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर्स हमने एक्सप्लोर किए, जो भी रिसर्च हुआ वो सब ब्रिटिश रूल के अंडर स्टार्ट हुआ था. अ नंबर ऑफ एंशियंट साइट्स वर एक्सकैवेटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ सर एलेक्जेंडर कनिंगहम, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो हमारे फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, सर एलेक्जेंडर कनिंगहम. तो इनके अंडर पे हम सारा आर्कियोलॉजी एक्सप्लोर कर रहे थे. ही चोज मेनली द साइट्स मेंशन्ड इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स फॉर दिस पर्पस. तो उन्होंने सबसे पहले कौन से साइट्स चूज किए, जो साइट्स बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन्ड थे. हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टेनर ऑफ सर जॉन मार्शल. तो हरप्पा सिविलाइजेशन हमने कब डिस्कवर किया था, सर जॉन मार्शल के अंडर, जब सर जॉन मार्शल जब डायरेक्ट कर रहे थे, डायरेक्टर जनरल थे, उस टाइम पे हरप्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर हुआ था. बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरी द एंटिक्विटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री could be traced to 3rd millennium BCE or even earlier. तो हरप्पा सिविलाइजेशन के डिस्कवरी की वजह से ही हम इंडिया के हिस्ट्री में पीछे जा पाए, या हमने 3rd millennium BCE से बहुत सारी चीज़ें हमने ट्रेस की. मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया रोट अबाउट द इंडियन हिस्ट्री. तो बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने भी इंडिया के हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ लिखा है. देयर राइटिंग्स डिस्प्लेड स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश. तो उनकी राइटिंग से जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनियल पॉलिसी थी उसके बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है. 3 वॉल्यूम्स ऑफ द हिस्ट्री